सो गुड मॉर्निंग बेटा मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को जस्ट बताइए हेलो मेरी आवाज क्लियर है बेटा सभी को यस प्लीज रिप्लाई वेरी गुड वेरी गुड हेलो यस बेटा तो आज जो है हमारा कल का लेक्चर पार्ट वन पार्ट वन को हम कंटिन्यू करेंगे अभी फोर्टी फाइव से फिफ्टी मिनट्स और फिर आपके जो भी डाउट्स है और क्वेश्चंस है वो डाउट्स और क्वेश्चंस में बाद में एंटरटेन करूंगा तो प्लीज Uh, यहाँ पे हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे सो यस बेटा गुड मॉर्निंग बहुत अच्छी बात सभी कनेक्ट हो गया है uh, यानी सब सीरियसली रिवीजन करना चाहते हैं और बिल्कुल सीरियसली करो मैं आपको कहता हूँ कि uh, यहाँ आपकी अगर पढ़ाई हो चुकी है और आपके पास टाइम है तो रिवीजन ये आपको बहुत हेल्प करेगी और डेफिनेटली आईडीटी इस सब्जेक्ट में तो आप अबो एटी सोच सकते हो बहुत से स्टूडेंट्स को लास्ट दो एग्जाम में अब एटी मिले हैं तो चलिए हम हमारा रिवीजन स्टार्ट करते हैं आ जाएगा बेटा वो कल यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं ओपन हो पाया पर आ जाएगा आ रमन चलो स्टार्ट करें तो हम कौन से डिस्कशन पे हम थे चलो डिस्कशन पे आ जाते हैं हम थे सीटीपी एंड एनआरटीपी पे hmm. चलो इस डिस्कशन पे आ जाते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या हुआ स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है सी टी पी एंड एनआरटीपी तो यहां सभी पॉइंट्स ध्यान से सुन लो जीएसटी में सीटीपी और एन आर कंसेप्ट क्यों लाया गया देखो अगर आपको कोई ऐसे अदर स्टेट से ऑर्डर आ रहा है जहां आपका एस्टेब्लिशमेंट नहीं है लेकिन आपको परचेस ऑर्डर आ चुका है लेट्स टेक एग्जाम्पल आपका जो है यहां पे एस्टेब्लिशमेंट महाराष्ट्र में है और आपको जो ऑर्डर आया है वो दिल्ली से ऑर्डर ऑर्डर आ गया है आपका ऑर्डर कंफर्म है सेल्स हो रहा है तो ऐसे केस में सी बनाने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप गुड्स सप्लाई करें या सर्विसेज सप्लाई करें क्यूं? क्यों क्योंकि जब आप गुड्स को डिलीवर कर रहे हो ध्यान से सुनिए क्या जब गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है और ऐसे स्टेट में जा रहा है जहां आपका कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो वो सिचुएशन में ऑर्डर पहले से कंफर्म है सेल पहले से कंफर्म है सप्लाई पहले से है सप्लाई सेल ट्रांसफर बार्टर एक्शन लीज रेंटल डिस्पोजल एक्सेट्रा तो सप्लाई पहले से है तो वो सिचुएशन में यहाँ पे सीटीपी बनाने की कोई जरूरत नहीं है आप ये जो है इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन कहा जाएगा और इसके ऊपर आईजीएसटी लगा सकते हो ऑब्वियसली आपको आईजीएसटी लगाना पड़ेगा मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप रिमूव कर रहे हो गुड्स या सर्विस दे रहे हो अगर तब सप्लाई होगा तो सीधा सीधा अदर स्टेट में अगर जा रहा है तो वहां आपको आई लगाना पड़ेगा सप्लाई माना जाएगा और गुड्स को डिलीवर करना पड़ेगा लेकिन पॉइंट नंबर टू बहुत सी बार जब हम गुड्स मूव कर रहे हैं

उस एग्जीबिशन में समझ लो या फिर आप रोड साइड शॉप लगा रहे हो या वाटर इट में भी या आप कस्टमर के डोर पे जाके सेल कर रहे हो तो अब ये सिचुएशन में जब आप वहाँ एग्जीबिशन वगैरह में जाओगे और वहां जाके आप सप्लाई करने वाले हो तो वो केस में आपको सीटीपी के रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे क्यों क्योंकि आप अदर स्टेट में जाके सप्लाई करोगे तो सिटी के रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे तो इसके वजह से सिटी पी आया जस्ट मिनट बेटा कैमेरा बंद हुआ है तो ये केस में यहां पर सप्लाय जो है जब आप उस एग्जीबिशन में जाके सेल करोगे उस वक्त सप्लाई माना जाएगा तो यहाँ आपको सी टीपी के रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा यानी जब गुड्स रिमूव हो रहा है इट्स नॉट अ सप्लाई ध्यान सुनिएगा जब गुड्स रिमूव हो रहा है ये सप्लाई नहीं है नो no सप्लाय आपको सीटीपी का रजिस्ट्रेशन लेना है सीटीपी का रजिस्ट्रेशन लेना है और जब आप उस एग्जीबिशन में जाके सेल करोगे तो यहां जब सेल होगा तो यहां वो सप्लाई माना जाएगा और यहां पे जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा मतलब जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी लेकिन अगर आप सीटीपी का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो वो सिचुएशन में ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले ये एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन है जो टेम्प्रेरी मिलता है रजिस्ट्रेशन आपको मैक यहाँ नाइन्टी डेज और एक्सटेंशन फर्दर नाइन्टी डेज यानी मैक्सिमम वन एटी डेज का ही ये आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है क्योंकि आप वो स्टेट में जा रहे हो कैजुअली जा रहे हो जहाँ आपका कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो आपको नाइन्टी प्लस नाइन्टी लेकिन रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि अगर आप इस एग्जीबिशन में टेन डेज के लिए जा रहे हो तो ये टेन डेज का ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा पर मैक्सिमम नाइन्टी और एक्सटेंशन नाइन्टी नेक्स्ट वन एटी डेज के बाद एक सवाल था कि सर वन एटी डेज के बाद बड़ा लंबा एग्जीबिशन है तो क्या वन एटी डेज के बाद भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं तो नहीं इसका एक सर्कुलर आया था और सर्कुलर ये था कि अगर आपका ये जो एग्जीबिशन है ये वन एटी डेज से ज़्यादा चल रहा है तो फिर आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और जहां एग्जीबिशन है उसका आपको आ, मतलब जो जिसने अरेंज किया उसका एक एनओसी देना पड़ेगा और इसका डिटेल एड्रेस देना पड़ेगा वन एटी से ज्यादा आपको ये रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकता तो नेक्स्ट यहां सिटी भी रजिस्ट्रेशन है सर एक सवाल है मेरा ऑलरेडी मैं रजिस्टर्ड हूं महाराष्ट्र में तो मैं ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं क्या उसके बाद भी मुझे सीटीपी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा यस yes. सीटीपी ये एक सेपरेट प्रोसेस है ये सेपरेट मैकेनिज्म है तो आपको सीटीपी का रजिस्ट्रेशन सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा इवन दो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चलिए सर कोई दिक्कत नहीं अब ये बताइए कि सर यहां पे मैं ऑलरेडी सॉरी मैं अनरजिस्टर्ड हूं Uh, मेरा टर्न और बीस लाख से नीचे है तो अगर मेरा टर्न और बीस लाख से नीचे है या दस लाख से नीचे है या चालीस लाख से नीचे है और मैं कोई अदर स्टेट में जहाँ मेरी कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है वहां मैं बिजनेस करने जा रहा हूं अगर मैं वहाँ बिजनेस करने जा रहा हूँ और वहां जाकर ध्यान सुनना ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है वहां जाकर आप सप्लाई करोगे तो क्या वो सिचुएशन में मैं अनरजिस्टर्ड हूं तो क्या मुझे सी पी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा यस yes, आपको ये टेम्प्रेरी सी पी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और ये टेम्प्रेरी सी पी रजिस्ट्रेशन लेके ही आप जा सकते हो और थ्रेशोल्ड जो है थ्रेशोल्ड सी पी को अपलीकेबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम सी टी को अप्लीकेबल नहीं है मतलब आप वहां जाके दो लाख का भी बिजनेस कर रहे होगे तो भी आपको सी टी के रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते हैं ठीक है, कंपोजिशन लेवी भी, भी आपका अवेलेबल नहीं है चलिए सर कोई प्रॉब्लम नहीं हमें ये समझ गया सर ये बताइए कि यहाँ पे क्या सी रजिस्ट्रेशन में हमें टैक्स जब मेरा वहां जाके सेल होगा तब मुझे जीएसटी देना है एक्चुअली देखा जाए तो जीएसटी के रिटर्न आपको तभी देने जब आप सेल करोगे एक्सेट्रा लेकिन गवर्नमेंट ने एक सी टी पी में मैकेनिज्म रखा है सर वो क्या आपको एडवांस टैक्स देना पड़ता है ध्यान से सुनिएगा आपको एडवांस टैक्स देना पड़ता है मतलब आपको अपनी एस्टिमेटेड लाइबिलिटी पहले ही निकालनी पड़ती है उसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है सर इसको थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए मतलब क्या आप पहली बात तो लॉ ये कहता है कि अगर आप सी का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का तो आपको फाइव डेज बिफोर रजिस्ट्रेशन लेना है ख्याल सुनिए फाइव डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अच्छा फाइव डेज बिफोर और ये रजिस्ट्रेशन तभी मिलेगा जब आप एडवांस टैक्स दोगे अब एडवांस टैक्स के दोगे तो ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा तो ऐसे सिचुएशन में आपको एस्टिमेटेड टर्न पहले ही निकाल लेना पड़ेगा और उस एस्टिमेटेड टर्न पे आपको यहां पे एडवांस में टैक्स देना पड़ेगा नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल आपने एस्टिमेटेड टर्न किया दस लाख दस लाख पे एटीन परसेंट का एडवांस में टैक्स दे दिया और दस लाख का बिजनेस अगर आपका एग्जीबिशन में नहीं हुआ तो वो सिचुएशन में यहाँ पे समझ लो पांच लाखीट आर एफ डी जीरो आप, आप रिफंड क्लेम कर सकते हो नेक्स्ट अगर आपने दस लाख का ही एडवांस टैक्स दिया और उसके बाद में आपका टर्न ऑव ट्वेंटी लैक्स हो गया तो डिफरेंशियल अमाउंट जो है आपको जब रिटर्न फाइल करोगे तब भी दिया तभी चलेगा ठीक है फिलहाल डिफरेंशियल अमाउंट पे कोई इंटरेस्ट वाला क्लॉज नहीं है मतलब अगर आपका दस लाख का एस्टिमेटेड टर्न ओवर है और आपने जो है बीस लाख का बिजनेस कर दिया तो क्या डिफरेंशियल अमाउंट हमें देने पड़ेंगे नहीं सो डिफरेंशियल अमाउंट देने पड़ेंगे लेकिन क्या हमें उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा इंटरेस्ट पे कोई भी अभी फिलहाल प्रोविजन नहीं है आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब तक आप एडवांस टैक्स नहीं दोगे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा ठीक है अब यहाँ पे जो आप एडवांस में एस्टिमेटेड टर्न पे टैक्स देते हो उस एडवांस में एस्टिमेटेड टर्न पे आ, वो आपका पैसा टैक्स पे एडजस्ट नहीं हुआ होगा वो आपके कैश लेजर में जमा रहेगा आई रिपीट वो जस्ट आपके कैश लेजर में जमा रहेगा और आपके कैश लेजर में जमा होने के बाद यहां पे जब आप सी का रजिस्ट्रेशन फाइल करोगे तो सी टी रजिस्ट्रेशन सी टी का रिटर्न फाइल करोगे तो रिटर्न में आप टैक्स कंप्यूट करके बताओगे और जितना आपने रिटर्न में टैक्स कंप्यूट करके बताया उतना आपके कैश लेजर से एडजस्ट हो जाएगा बाकी का बैलेंस आपके कैश लेजर में पड़ा रहेगा जो आप बाद में रिफंड भी क्लेम कर सकते हो नेक्स्ट अगर सर मैंने एक्सटेंशन लिया मैंने 90 डेज का सी भी मिला था उसके बाद में एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया तो सर जब मैं फर्दर 90 डेज का एक्सटेंशन लेता हूँ तो क्या मुझे फिर से एडवांस टैक्स देना पड़ता है ऑन टोटल एस्टिमेटेड लाइबिलिटी यस आपको एडवांस में डिपॉजिट एक्चुअली इसे एडवांस टैक्स नहीं कहते हैं एक्चुअली इसे एडवांस डिपॉजिट कहते हैं क्योंकि ये पैसा टैक्स में एडजस्ट नहीं होता है ये जस्ट जो है आपके कैश लेजर में पड़ा होता है और जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो रिटर्न फाइल करते वक्त जो टैक्स आपने सेल्फ असेस किया उसमें आपका एडवांस टैक्स का डिपॉजिट एडजस्ट होता है चलिए सर ये बात हमें समझ में आई ये बताइए सर सीटीपी के लिए कोई सेपरेट रिटर्न है नहीं आ, जो जनरल जी एस आर वन है एज वेल एज यहाँ पे थ्री भी है वही आपको फाइल करने पड़ते हैं मतलब ये हुआ कि यहाँ जो जब तक आपका सीटीपी का रजिस्ट्रेशन है मतलब टेन डेज ट्वेंटी डेज थर्टी डेज या नाइन्टी डेज तक का तो जो आपका रजिस्ट्रेशन पीरियड होगा उस दौरान आपके जी एस की जो ड्यू डेट्स आएगी या थ्री बी की जो ड्यू डेट्स आएगी ये नॉर्मल रिटर्न ही आप को फाइल करने पड़ेंगे चलो सर बढ़िया यह बात भी हमें समझ में आ गई नेक्स्ट यहां पे सर यह बताइए कि मैं जो है मेरा एस्टिमेटेड टर्न ओवर है टेन लैक्स okay, मैंने किया है 10 अब यह टेन लैक्स का टर्न जो मैंने एस्टिमेट किया है इसके ऊपर मेरा जीएसटी आ रहा है जीएसटी एट द रेट ट्वेल्व परसेंट ले लो तो यहां पे एक लाख बीस हजार जो मैं एडवांस में डिपॉजिट करूंगा लेकिन मेरे पास इसके आई टी सी पड़े हुए हैं सुनिएगा इसके मेरे पास आईटीसी पड़े हुए हैं और दो लाख का ITC मेरे पास पड़ा हुआ है, है। तो लाख का सी मेरे पास पड़ा हुआ है तो क्या ये मैं कर सकता हूं for deposit? क्या क्या सुनिए डिपॉजिट के लिए आप आई यूज कर सकते हो बिल्कुल यूज कर सकते हो मतलब आपको जो नेट एडवांस डिपॉजिट देना है वो नेट एडवांस डिपॉजिट आपको यहाँ पे जीरो आएगा समझ लो मैं थोड़ा ऐसा ले लेता तो, हूं दो लाख का आईटीसी नहीं मेरे पास बीस आ, पचास हजार का आईटीसी पड़ा हुआ है पचास हजार का आई अगर मेरे पास पड़ा हुआ है तो एक लाख बीस हजार माइनस कोई भी एडवांस में डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है तो एक सीबीआईन से ये क्लैरिफाई कर दिया गया कि आपको जो है यहाँ पे आई लेने के बाद जो नेट होगा वह एडवांस में डिपॉजिट देना है ठीक है सर यहाँ पे बताइए यस सी टी पी रजिस्ट्रेशन हो गया कैसे लेना चाहिए नाइन्टी डेज और आप जी एस टी और जहाँ तक देखा जाए तो आप फिर जो मंथली क्वार्टरली जो रिटर्न फाइल करोगे जी एस टी आर वन और थ्री भी तो उस मंथली क्वार्टरली रिटर्न में अपना पूरा असेसमेंट विथ आई टी सी आप क्लेम करोगे तो ये था रिगार्डिंग टू सी टी थोड़ा इसकी डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु ऑकेजनली अंडरटेक द ट्रांजेक्शन एक वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है ऑकेजनली ऑकेजनली अंडरटेक द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस और बोथ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वेदर यहाँ प्रिंसिपल एजेंट हाँ, अब मैं आपको एक और बात बता दूँ सप्लाई ऑफ़ गुड्स और सर्विसेज मतलब ये CTP का रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर गुड्स नहीं है ये सर्विसेज के लिए भी है मतलब आप आ, कोई अदर स्टेट में जा रहे हो जो और वहां पे जाकर सर्विस दोगे यानी पहले से कॉन्ट्रैक्ट फिक्स नहीं है वहां पे जाके आपने सर्विस uh, दिया क्योंकि पहले से फिक्स होता तो वो तो, हो जाता, फिर तो वो फेट सप्लाई हो जाता का रजिस्ट्रेशन में, तो में देना पड़ेगा ठीक है uh, इस पर आपको एक बात और कह दू कि एक ज्वेलरी का क्लैरिफिकेशन था और यहाँ पे एक आर्टिस्ट का क्लैरिफिकेशन था जो क्लैरिफिकेशन मैं आखिरी में सभी एक साथ पढ़ाऊंगा प्लीज, प्लीज 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 कोई सवाल नहीं कोई डाउट्स नहीं कोई क्वेश्चन नहीं मैं आपको टाइम दूंगा अगर आपको अपने सवाल मेरे से एंटरटेन करवाने हैं तो मेरा डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद ही सवाल डालो सो दैट कि मैं उसको रीड कर सकू और यहां पे explain कर सकूं। Second, मैं आपको एक बात कह दू कि ये रिविजन बैच है इस रिविजन बैच में मैं सभी यहाँ पे डाउट्स एंटरटेन नहीं कर सकता जो मुझे रिलेवेंट लगे वही डाउट्स मैं एंटरटेन करूंगा दूसरा स्पैम बिल्कुल नहीं करने का मैं ये रिवीजन बैच आपके लिए ले रहा हूं तो बिल्कुल यहां पे स्पैम नहीं करने का ठीक है नेक्स्ट यहां इसका फायदा आप जितना ले सको ये आपके ऊपर है तो yes, आप आपका कोऑपरेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो

आ रहा है और बिजनेस कर रहा है अब मैं इससे रिलेटेड आपको प्रोविजन बता देता हूं अगर यहां का बायर ध्यान का यहां का बायर ओके okay, पहले से उसने गुड्स खरीद के इंपोर्ट किया है तो जब वो इंपोर्ट किया है तो इंपोर्ट पे उसको बी और एस सी थ्री सेवन लगा होगा या सर्विस इंपोर्ट की होगी तो सर्विस इंपोर्ट के वक्त यहाँ पे रिवर चार्ज में उसके ऊपर लाइबिलिटी आई है अब सिटी एनआरटीपी पी कंसेप्ट क्या एनआरटीपी मतलब नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन यानी इंडिया के कोई बायर ने अभी तक परचेस नहीं किया वहां का कोई बंदा ध्यान सुनिएगा वहां का कोई बंदा गुड्स इंडिया में ला रहा है और यहां आके सेल करेगा या वहां का कोई यहाँ इंडिया में आके आने के बाद सर्विसेज देगा तो नाउ जब वो इंडिया में आ रहा है तो उसकी कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस या रेसिडेंस इन इंडिया नहीं है कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस और रेसिडेंस नहीं इंडिया में नहीं है कोई वो एक्सपो में आ रहा है या कोई सर्विस प्रोवाइडर है या आने के बाद सर्विस दे रहा है तो ऐसे सिचुएशन में अगर एनआरटीपी नॉन रेसिडेंट टैक्सीबल पर्सन है तो फिर वो केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगता है वो केस में अगर उसने या आने के बाद गुड सप्लाई किया या आने के बाद सर्विस सप्लाई किया तो रिवर्स चार्ज में वो केस में लाइबिलिटी आती है सॉरी रिवर्स चार्ज में नहीं वो केस में एनआरटीपी पे लाइबिलिटी आती है रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी नहीं आ आती है दोस्तों तो ये यह एक स्पेशल कंसेप्ट है ना लेट्स से एग्जांपल कोई बंदा एग्जीबिशन के लिए कार ला रहा है इंडिया में और इंडिया में एग्जीबिशन में या कोई एक्सपो है उसमें लाकर वो अपनी कार आगे सेल कर रहा है तो ये बंदा जब इंडिया में कार लाएगा तो कस्टम्स के हिसाब से बीसीडी और एस 37 थ्री सेवन और थ्री नाइन जो भी होगा तो कस्टम कंप्लायसेज तो करने पड़ेंगे एक बार फिर से बीसीडी एस थ्री सेवन थ्री नाइन जो भी होगा वो कस्टम कंप्लायसेज तो करने पड़ेंगे फिर यहां के अगर वो कार सेल कर रहा है तो यहां आके जब कार सेल करेगा तो उसका टैक्स एंड वो जो बंदा आवाज आ रही है बेटा मेरी क्लियर मेरी आवाज क्लियर आ रही है चलिए सॉरी बेटा कोई रीजन की वजह से क्लोज हो गया था सॉफ्टवेयर मैं वापस से हम लेते हैं तो एनआर टी पी एनआर टी पी बेटा जो है जो बाहर का बंदा इंडिया में आके सेल कर रहा है तो वो सिचुएशन में या सर्विसेज दे रहा है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और उसे टैक्स देना पड़ेगा लेट्स टेक ए वन एग्जाम्पल यहाँ पे कोई डॉक्टर है और डॉक्टर जैसा हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस टैक्सेबल है उसको कोई एग्जम्शन नहीं है कोई यूएस का डॉक्टर है और वो इंडिया में आया हुआ है इसमें दो चीजें हो सकती है अगर वो यूएस का डॉक्टर पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में आ रहा है और हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है सुनिए ध्यान से यूएस का डॉक्टर पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है और हेयर हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही है अगर कॉन्ट्रैक्ट पहले से है तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा और ये ये जो है इंपोर्ट ऑफ सर्विस में रिवर्स रिवर्स चार्ज में आईजीएसटी लगेगा लेकिन अगर वो डॉक्टर यहां आ गया और यहां आने के बाद वो सर्विस दे रहा है क्योंकि पहले से कोई फिक्स नहीं मुझे पता चला कि वो डॉक्टर आया हुआ है तो वो यहां आने के बाद सर्विसेज दे रहा है तो अब रिवर्स चार्ज वाला कंसेप्ट या इंपोर्ट सर्विस वाला कंसेप्ट नहीं आएगा अब जो है उस डॉक्टर को सर्विस देने के पहले हेयर ट्रांसप्लांट करने के पहले पांच दिन पहले एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन लेके बाद में वो मुझे सब सर्विस दे सकता है और उसका टैक्स वही पे करेगा तो ये था रिगार्डिंग टू एनआरटीपी बेटा बाकी सब प्रोविजंस जो है कि आपको 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना है आपको एस्टिमेटेड लाइबिलिटी पे टैक्स देना है ये बाकी सब प्रोविजंस सीटीपी जैसा है वैसे सीटीपी और एनआरटीपी में क्या डिफरेंस है सीटीपी को पूरा आईटीसी मिलता है एनआरटीपी को पूरा आईटीसी नहीं मिलता एनआरटीपी ने अगर गुड्स पे गुड्स पे गुड्स पे इंपोर्टेड गुड्स पे कोई एसीडी थ्री सेवन पे किया होगा ओके okay, तो एसीडी थ्री सेवन का ही आई टी सी मिलता है उसको अगर एनआरटीपी इंडिया में आके जो भी गुड्स और सर्विसेस अपने बिजनेस के लिए खरीद रहा है उसके आई टी सी एनआरटीपी को नहीं है ओनली ब्लॉक क्रेडिट अगर आप सेक्शन सेवनटीन फाइव पढ़ते हो तो इंपोर्टेड गुड्स पे जो उसने यहां पर जीएसटी दिया हुआ है एसीडी थ्री सेवन दिया हुआ है या एसीडी थ्री नाइन दिया हुआ है उसके ही आई टी सी उसको मिलते हैं ठीक है तो चलिए ये था रिगार्डिंग टू सी टी पी और एनआरटीपी अब यहां पर अलग अलग अप्रोच से डिस्कस कर लेते हैं पहला रजिस्ट्रेशन सीटी पी रजिस्ट्रेशन में आता है एनआरटीपी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आता है सीटी पी को जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वह आर जी जीरो वन उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन लेना है सिटी को यस बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन लेना है और यहाँ पे पैन बेस रजिस्ट्रेशन मिलता है एनआरटीपी एन को रजिस्ट्रेशन आर जीरो नाइन में लेना है 5 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना है और इनको पैन बेस नहीं होता है इनको यहाँ पे पासपोर्ट या अदर डॉक्यूमेंट बेस रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है तो नेक्स्ट थ्रेशो थ्रेशोल्ड दोनों को अवेलेबल नहीं है अगर इंडिया में आके एक रुपए का भी गुड्स और सर्विस सप्लाई करते हो तो इनको जीएसटी लेना पड़ेगा नेक्स्ट कंपोजिशन स्कीम कंपोजिशन स्कीम की अगर हम बात करें तो दोनों को कंपोजिशन स्कीम नहीं है रिटर्न सी uh, को हमारे नॉर्मल रिटर्न है जीएसटी आर और जीएसटी आर अभी तो दो ही है जीएसटी आर आउटवर्ड सप्लाई और थ्री बी और नौ को जी आर जो है वो फाइल करना पड़ता है सीटीपी को एनुअल रिटर्न नहीं है और एनआरटी को एनुअल रिटर्न नहीं है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट एनुअल रिटर्न दोनों को नहीं है नेक्स्ट अगर हम बात करें आईटीसी प्रोविजन की तो यहाँ पे सीटीपी को पूरे आईटीसी मिलते हैं तो एनआरटी को जो है यहाँ जहां तक देखा जाए तो ओनली इंपोर्टेड गुड्स पे जो एसडी थ्री सेवन पे किया उसका ही आई टी सी है बाकी उसके ब्लॉक क्रेडिट है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सी टीपी और एनआरटीपी विल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट फाइव डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एडवांस में डिपॉजिट देना पड़ेगा अगर रजिस्ट्रेशन चाहिए तो नाइनटी डेज और एक्सटेंशन फर्दर नाइन्टी डेज अब एक सवाल आपका आ सकता है कौन सा सर ये बताइए कि सिटीपी को जो है यहां पे वहां वहां का टैक्स देना पड़ता है तो आई टी कैसे मिलेंगे यहां पे प्रोसीजर बहुत क्लियर आ चुकी है कि सी जो है सी जब यहाँ टैक्स पे करेगा और अपना रिटर्न फाइल करेगा तो वो टैक्स होगा आईजीएसटी और आईजीएसटी में आप यहाँ के क्रेडिट ले सकते हो आपको ये पता है कि आईजीएसटी का रेवेन्यू अल्टीमेटली जो है इस स्टेट को जाने वाला है तो ये केस में अब यहाँ पे इस पर बहुत क्लैरिटी आ चुकी है प्रोसेस में और वगैरह कि यहाँ पे जो टैक्स की लाइबिलिटी है वो आई फॉर्म में जो दी जाएगी और उसके अगेंस्ट में क्रेडिट भी लिए जाएंगे चलिए आई होप आपको ये क्लैरिटी आ गई है सी और एनआरटीपी ये डिस्कशन हमने कंप्लीट किया है चलो कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो आ, मैंने आंसर दे दिया बेटा और कोई डाउट ठीक है आगे बढ़ते हैं चलिए बेटा अब आते हैं सेक्शन सेवन मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई ठीक है सेक्शन सेवन सप्लाई का चार्ट याद करना वैसे ये चार्ट मैं आपको याद दिला दूंगा लेकिन यहां पहले से टेक्स पढ़ लेते हैं सेक्शन सेवन सेक्शन सेवन वन ए सेक्शन सेवन वन बी और सेक्शन सेवन वन सी ये तीनों क्लॉजेस में जो एक्टिविटी दी है या जो ट्रांजेक्शन दिए है उसे सप्लाई कहा जाता है

ओके okay, तो हमने जब रेगुलर क्लास की थी तो रेगुलर क्लास करते वक्त यहां पे एक चार्ट बनाया था चार्ट बनाया था आपको याद होगा yes, okay, तो यस सेक्शन सेवन वन ओके तो सेक्शन सेवन वन सप्लाई इंक्लूड्स और सेकेंड पार्ट पे सप्लाई एक्सक्लूड्स ओके इस चार्ट को अगर हम देखें तो सप्लाई इंक्लूड्स में आपके सामने इस तरह से स्ट्रक्चर आएगा और सप्लाई एक्सक्लूड सप्लाई एक्सक्लूड में ये साइड में क्या जो यहाँ पे शेड्यूल थ्री के हिसाब से कौन सी एक्टिविटी सप्लाई नहीं मानी जाती है ये डिस्क्रिप्शन हमने साइड में देखा था अब व्हाट सप्लाई इंक्लूड्स अब सप्लाई इंक्लूड्स के बारे में अगर आप बात करते हो तो सेक्शन सेवन वन ए के हिसाब से यहाँ पे सॉरी सप्लाई इंक्लूड्स में हमने दो पार्ट किए थे कौन से दो पार्ट किए थे विथ कंसिडरेशन और यहाँ पे सप्लाई जो है विदाउट uh, कंसिडरेशन जो शेड्यूल वन में है विथ कंसिडरेशन एंड अगर देखा जाए तो इसमें दो पार्ट थे बी सेवन वन बी प्राइमरी मीनिंग ऑफ सप्लाई जो आपको मैक्सिमम केस में लेना है सेवन वन बी स्पेशल सप्लाई इनकेस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस यहां पर फॉर कंसिडरेशन तो सप्लाई फॉर कंसिडरेशन जो है बेसिकली ये बिजनेस टैक्स है और बिजनेस टैक्स है तो वो सिचुएशन में अगर आपको कंसिडरेशन मिलेगा तो सप्लाई माना जाएगा अगर आपको कंसिडरेशन नहीं मिलेगा तो सप्लाई नहीं माना जाएगा तो ऐसे केस में यहाँ पे सबसे पहले <coughs> तो जो प्राइमरी मीनिंग ऑफ सप्लाई फॉर कंसिडरेशन वो देख लेते हैं फिर हम जाएंगे शेड्यूल वन में सेक्शन सेवन वन सी में जहाँ कुछ ही ऐसी एक्टिविटी है कंसिडरेशन नहीं होने के बाद भी सप्लाई माना जाता है तो सबसे पहले फॉर कंसिडरेशन अगर आप यहां पे सेक्शन सेवन वन ए लो तो सेक्शन सेवन वन ए कहता है इसके स्टार्टिंग की लाइन है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सबसे पहले यहां डेफिनेशन देख लेते हैं व्हाट डू मीन बाय गुड्स और सर्विसेज गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन अगर आप देखते हो तो गुड्स मतलब एनी काइंड ऑफ मुएबल प्रॉपर्टी ध्यान से सुनिएगा गुड्स मतलब एनी काइंड ऑफ मुएबल प्रॉपर्टी और सर्विसेस मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स अब सबसे पहले यहां आते हैं गुड्स की डेफिनेशन पे एनी काइंड ऑफ मोवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज मतलब आपकी कोई ट्रांजेक्शन अगर मनी में है पैसा दिया पैसा लिया <coughs> बैंक से लोन बोरो किया वापस रीपे किया तो जो मनी के ट्रांजेक्शन है या मनी को एक्सचेंज करके दिया तो वो ट्रांजेक्शन आपके गुड्स में नहीं आएंगे एज वेल एज वो ट्रांजेक्शन जो है सर्विसेज भी एक्सक्लूड किए हैं तो गुड्स और सर्विसेज से यहाँ मनी के ट्रांजेक्शन एक्सक्लूड कर दिए गए हैं एज़ नेक्स्ट सिक्योरिटीज़ के ट्रांजेक्शन भी एक्सक्लूड किए हैं मतलब अगर कोई यहाँ पे आप डिवेंचर्स शेयर्स बॉन्ड एंड एक्सेट्रा एज पर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो भी सिक्योरिटीज होगी अगर उसका सेल परचेज होता है तो ना वो गुड्स में है ना वो सर्विस में है अगर सिंपल लाइन में कहा जाए तो मनी और सिक्योरिटीज़ के जो ट्रांजेक्शन होंगे उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा दोस्तों नाउ अगर गुड्स की हम बात करें तो स्पेशल इंक्लूजन क्या है स्पेशल इंक्लूजन यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम ध्यान सुनिएगा स्पेशल इंक्लूजन एक्शनेबल क्लेम जनरली जब भी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं जैसे एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेल ऑफ गुड्स एक्ट में स्पेशली एक्शनेबल क्लेम एक्सक्लूड किया है लेकिन यहां एक्शनेबल क्लेम जो है गुड्स में इंक्लूड किया है क्यों अगर आपको याद होगा तो लॉटरी बेटिंग और गैमलिंग इसके टैक्सेस जीएसटी के साथ मर्ज कर दी है मतलब अगर जीएसटी लगा रहे हो तो लॉटरी बेटिंग गैमलिंग पे भी जीएसटी लगेगा उसके साथ मर्ज कर दिया है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा अब लॉटरी को बहुत से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में यह कहा गया है कि यह एक्शनबल क्लेम है तो लॉटरी बेटिंग वेटिंग को क्लेम का स्टेटस देने की वजह से हमें गुड्स के डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम रखना पड़ेगा क्योंकि उसमें जीएसटी लगाना है तो हमने गुड्स के स्टेटस में एक्शनेबल क्लेम को एज अ गुड्स इंक्लूड किया है लेकिन आगे जब मैं पढ़ाऊंगा शेड्यूल थ्री तो शेड्यूल थ्री में यह क्लियर कहा है कि एक्शनेबल क्लेम गुड्स है लेकिन इसमें सिर्फ लॉटरी बेटिंग और गैमलिंग यही टैक्सेबल होगी बाकी एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं आएगा इट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ सप्लाई जो शेड्यूल थ्री में यहां पे आगे कवर किया गया है और नेक्स्ट ग्रोइंग क्रॉप ग्रास थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ लैंड अग्रीड टू बी सर्व और बिफोर और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई मतलब बाकी ग्रोइंग क्रॉप वगैरह जो है वो भी गुड्स के स्कोप में आएगा चलिए ये तो आपने डेफिनेशन गुड्स की कंप्लीट की नेक्स्ट डेफिनेशन हम बात करते हैं सर्विसेज सर्विसेज का स्कोप बिल्कुल यहां पे शाहरुख जैसा है सर्विसेज मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स गवर्नमेंट ने यहां कोई लू नहीं छोड़ा है मतलब अगर गुड्स गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के बाकी जो भी एक्टिविटी आएगी उसे सर्विसेज मान लिया जाएगा और जीएसटी के स्कोप में आ जाएगा फिर कोई भी एक्टिविटी हो पैसिव हो या एक्टिव हो मतलब आप कुछ करके एक्टिविटी कर रहे हो जिसका कंसिडरेशन है तो वो सर्विस मानी जाएगी कुछ ना करने का भी पैसा मिलता हो तो उसे सर्विस मानी जाएगी इसलिए आप एक तरह से ये कह सकते हो कि जीएसटी में ध्यान सुनना जीएसटी में सब कुछ कवर हो जाएगा अगर वो फॉर कंसिड्रेशन है और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है सो एवरीथिंग वुड बी कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ जीएसटी तो एनीथिंग अदर देन गुड्स उसके बाद में मनी और सिक्योरिटीज इसमें से एक्सक्लूड किया गया है साथ साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने स्पेशल इंक्लूजन क्या किया है ये स्पेशल इंक्लूजन पे आपका ध्यान में लाना चाहूंगा दो बातें उन्होंने यहाँ पे इंक्लूड की है सबसे पहले तो सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज फॉर यूज ऑफ मनी मतलब आप किसी को पैसा यूज करने देते हो वो ट्रांजेक्शन पे जीएसटी नहीं है क्यों क्योंकि वो गुड्स भी नहीं है और वो सर्विसेज भी नहीं है लेकिन ध्यान रहे अगर यूज करने के लिए आप सेपरेट कंसिडरेशन लगा रहे हो लेट्स टेक एग्जांपल इंटरेस्ट आपने पैसा यूज करने के लिए इंटरेस्ट लगाया तो इंटरेस्ट जो पैसा मिला आपको वो सर्विस मानी जाएगी आपको मिला बैंक को मिला जैसे आपको कब मिल सकता है अनसिक्योर्ड लोन पे अगर आप अनसिक्योर्ड लोन देते हो तो, तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है आपको आपके एफडी पे बैंक पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो माना जाएगा कि उसने सर्विस दी कौन सी सर्विस दी यूज ऑफ मनी की सर्विस दी जिसका उसे इंटरेस्ट मिल रहा है या बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट ये सेपरेट कंसिडरेशन है और ये अगर सेपरेट कंसिडरेशन आप चार्ज करते हो तो वो सर्विस माना जाएगा लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट का एग्जम्शन दिया हुआ है फिर से एक बार कह दू एग्जम्पन मतलब ऐसा नहीं कि उसके ऊपर लेवी नहीं है लेवी है पर फिलहाल गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट में एग्जम्पन दिया गया, दिया है एग्जेपन उसे ही दिया जा सकता है जिसके ऊपर दोस्तों लेवी होती है तो आ, इन वो बात कर रहे इंटरेस्ट के ऊपर फ्यूचर में इंटरेस्ट आ सकता है क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट देख लो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड पे यहां पे जस्ट मिनट बेटा कुछ तो गड़बड़ तो नहीं हो रही ना हाँ चलिए एक, एक मिनट मुझे बताइए दोनों तरफ सही दिख रहा है ना बेटा आपको आज ओपन हो जाएगी पिनल आज आज हो जाएगी डोंट स्पैम प्लीज डोंट स्पैम आज हो जाएगी ओपन पहली डाउनलोड करके रख लेना ना, बेटा दोनों तरफ सही दिख रहा है ना ठीक है दोनों चैनल पे चलिए तो अब हम बात करेंगे यहां जो है यस yes, यस yes, आज हो जाएगी ऊपर हाँ। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेपरेट कंसिडरेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ मनी अगर मनी कन्वर्ट होता है तो वो सिचुएशन में हमने इंटरेस्ट की बात कर ली मनी अगर कन्वर्ट होता है तो वो सिचुएशन में uh, उसका सेपरेट कंसिडरेशन जैसे मनी चेंजर है डॉलर टू रुपीज रुपीज टू डॉलर या फिर बहुत सी बार आप रुपी uh, भी एक्सचेंज करते हो आपके पास बड़ा नोट है दो हजार का और आप एक्सचेंज में वन उसको कोई एक्सम्शन नहीं है चलिए अब मैं आ, आपका ध्यान लाना चाहूंगा इस एक्सप्लेनेशन पे एक्सप्लेनेशन फॉर रिमोव ध्यान से सुनो फॉर रिमोव ऑफ डाउट इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट एक्सप्रेशन सर्विसेस इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज ठीक है अब जैसे यहाँ पे सिक्योरिटीज तो एक्सक्लूड कर दी गई यानी आपने शेयर खरीदे बेचे बॉन्ड डिचर्स एक्सेट्रा उस पर तो जी एस टी नहीं है लेकिन यहाँ वो ट्रांजेक्शन को अरेज करने के लिए एक थर्ड पार्टी फैसिलिटीज दे रहे है या अरेजमेंट कर रही है तो क्या वो जो है यहाँ पे उसका कमीशन या उसके जो चार्जेस या उसका जो प्रीमियम लगता है क्या उसके ऊपर जीएसटी आएगा यस yes. इसका पहला एग्जाम्पल है शेयर ब्रोकर शेयर ब्रोकर आपके सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए या अरेंज करने के लिए अपना ब्रोकरेज लेता है तो क्या उस ब्रोकरेज पे जीएसटी आएगा यस yes. वो सर्विस मानी जाएगी और उस ब्रोकरेज पे जीएसटी लाया जाएगा सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे शेयर लैंडिंग शेयर लैंडिंग मतलब आपको याद है इसमें रिवर्स चार्ज भी था एंड ए बॉरो है और बोरोवर यहाँ वो जो एक लेंडर है शेयर सिक्योरिटी लैंडिंग और सिक्योरिटीज लैंडिंग में यहाँ जो बोरोर होता है वो प्रीमियम पे करता है यहाँ पे लेंडर को तो वो प्रीमियम ये टू फैसिलिटेट और अरेंजिंग द ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी माना जाएगा और उसके ऊपर भी जीएसटी आता है और उसके ऊपर रिवर्स चार्ज में जीएसटी आता है तो ये था रिगार्डिंग टू जहां तक देखा जाए गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बोथ बोथ में क्या कवर किया है जैसे कुछ ट्रांजेक्शन इंडिविजुअल नहीं होते कंबाइन है, होते हैं जिससे हम यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई कहते हैं लेट्स टेक एग्जांपल यहाँ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या कैटरिंग और रेस्टोरेंट कंट्री कैटरिंग एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज uh, तो कैटरिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ये गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों का होता है ये कंबाइन होता है और रेस्टोरेंट कैटरिंग ये भी कंबाइन होता है तो ये सिचुएशन में यहाँ पे अगर आपके कंबाइन कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी जीएसटी में आएगी लेकिन एक बात आपको अभी यहां बता दू वो कौन सी बोथ का वैसे कोई ज्यादा रिलेवेंस जीएसटी में नहीं है क्यों क्योंकि आपको एनी कॉस्ट कोई भी ट्रांजैक्शंस होते हैं क्यों ना वो कंपोजिट हो आपको किसी एक में क्लासिफाई करना पड़ता है आइदर वो सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्यों क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई एग्जेंप्शंस ऐसे बहुत सारी प्रोविजंस है जीएसटी में जो यहाँ पे ओनली गुड्स पे या सर्विस पे लगती है तो आपका क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है और क्लासिफिकेशन जो किया जाता है दोस्तों क्लासिफिकेशन शेड्यूल 2 जो क्लासिफाई करता है कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट को जिसमें वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने क्लियरली है कि ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज कही जाएगी रेस्टोरेंट कैटरिंग पैरासिक्स में क्लियरली कहा है कि ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज कही जाएगी इन रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसमें कितना भी गुड्स इन्वॉल्व हो वो ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विसेस ही माना जाएगा चलो बहुत अच्छी बात है लेकिन Uh, बाकी कुछ भी और कॉन्ट्रैक्ट दी है शेड्यूल टू में एज वेल एज क्लासिफिकेशन का एक प्रिंसिपल जो सेक्शन एट में दिया है कंपोजिट और मिक्स सप्लाई जो हम आगे देखेंगे तो ये जो डिस्कशन हुआ हमारा गुड्स और सर्विसेस से रिलेटेड हुआ ठीक है यहां पे फिर जो आगे यहां जो प्राइमरी सप्लाई का कंसेप्ट है वो ये है क्योंकि बिजनेस टैक्स है तो प्राइमरी सप्लाई का कंसेप्ट है कि ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस और बोथ स्टार्टिंग में तो उन्होंने ये कह दिया कि ऑल फॉर्म्स कोई भी फॉर्म में हो नाम कुछ भी हो कैसे भी हो एक्टिव हो पैसी हो किसी भी फॉर्म में दिया हो तो वो सप्लाई मान लिया जाएगा अगर ये चार कंडीशन फुलफिल होती है कौन सी चार कंडीशन ओके okay, पहला जैसे आ, फ, फ, आपके फॉर्म जो है कुछ एग्जाम्पल दिए सेल ट्रांसफर बाटर एक्सचेंज डिस्पोजल लाइसेंस रेंटल लीज ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में आपने सप्लाई किया ये एग्जाम्पल है इसके अलावा भी अगर आपके फॉर्म हो गए तो वो सप्लाई मान लिया जाएगा लेकिन है मेड और अग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ये चारों कंडीशंस अगर फुलफिल होगी तो आपके ऊपर जीएसटी आएगा दोस्तों नाउ अब ये सवाल है कि सर ये चारों कंडीशंस क्या है कंसिडरेशन यानी क्या बिजनेस यानी क्या ओके मेड और अग्री टू बी मेड यानी क्या इसको हम देखेंगे यहाँ डिटेल में नेक्स्ट सेशन में ठीक है तो यहाँ तक हमारा डिस्कशन करना था तो ये हमने हमारा पहला सेशन कंप्लीट किया तो कल और आज का ये हमारा पहला सेशन था सो so, दोस्तों आ, नोट्स कल जिन्होंने भी यहाँ बुकिंग कर ली है उनको नोट्स कल डिस्पैच हो गई है और कल जिसने किया उनको आज डिस्पैच हो जाएगी इसलिए ये जो बूस्टर रिवीजन कोर्स है हम बहुत अच्छा रिवीजन करेंगे आपको बस इतना कहना चाहोगा कि आप अपनी बुकिंग कर लो नवंबर ट्वेंटी वन के लिए ये फ्रेश बूस्टर अच्छे से मेरे पास मेरे साथ लाइव स्ट्रीमिंग में आपको कंप्लीट करना है और आपको इतना ही करना चाहोगा कि देखो बेटा ये आपका जो अमाउंट है इस बार मैं एक तरह से क्वेश्चनर जो है आपको मैंने बहुत ही कम यानी लॉस में मैंने आपका अवेलेबल करवा के दिया इस बार तो ऐसा समझ लीजिएगा कि ये जो अमाउंट है आपका जो है 2000, 2500 जो भी अमाउंट होगा, सॉरी 1500 और 2500 ये जो है आपका बहुत बहुत आपका काम का अमाउंट है जिसके लिए आप बूस्टर बाय कर रहे हो और जो नॉलेज आपको मिलेगा यस yes, आपको एग्जाम में पास करवाएगा और जीएसटी का नॉलेज भी आपको स्ट्रांग करवाएगा सो so, चलिए दोस्तों यहाँ पे हाँ बाकी न, आ, पुराने बूस्टर जो है उसका लिंक आज ओपन हो जाएगा पहले ही कह देता हूँ जो पुराने बूस्टर की लिंक थी ये दो दिन ही ओपन रहेगी तो आप जो है सब डाउनलोड करके रख देना या आपको जो भी है जो पुराने बच्चे देख रहे हैं जिनकी एग्ज़ाम अभी सी एम स्टूडेंट है और एग्ज़ाम अभी आने वाली है तो वो देख रहे हैं तो आप डाउनलोड करके देख लेना लेकिन मैं कहना चाहूँगा जिसका भी नोवर ट्वेंटी एग्ज़ामिनेशन है मेरे साथ मेरे एनर्जी के साथ ओके आप ये बूस्टर बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो रोज़ सुबह सात से फोर्टी फाइव तक हम इसको रिवाइज करेंगे बूस्टर को ठीक है दोस्तों चलिए तो आप फटाफट बुक कर लीजिएगा एंजॉय करेंगे डन यस और नो बेटा नेपाल वालों के लिए अभी तक सॉल्यूशन नहीं आया है आ, कि आप पेमेंट कैसे करोगे मैं उसका सॉल्यूशन कल तक निकालता हूं पर आपको ऑप्शन पीडीएफ कॉपी वाला ही लेना पड़ेगा नहीं वो तो आप यूट्यूब चैनल से कर सकते हो ना बेटा यूट्यूब चैनल जो लिंक ओपन हो जाएगी वहां से डाउनलोड कर लो तो चलिए अक्टूबर 21 के लिए तो बेटा मैं सीएमए के लिए कहूंगा ये जो अभी करंट बूस्टर बैच है आप लोगे तो यस ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा हाँ एक सवाल है कि एनआरटीपी का आईटीसी टैक्स पेबल से ज़्यादा हो आईटीसी तो सिर्फ उसको एनआरटीपी को एसरी थ्री सेवन का ही मिलता है ना बेटा अगर ज़्यादा हो तो ठीक है बैलेंस का वो रिफंड एक्सेस आईटीसी जो है तो एक्सेस आईटीसी का वो रिफंड नहीं क्लेम कर पाएगा वो क्रेडिट ले सकता है नहीं अब मैं आपको लास्ट बता देता हूं कि इस बार के बूस्टर रिवीजन वीडियो पहले तीन लेक्चर जैसा आज तो पहले लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन था पहले तीन लेक्चर यूट्यूब पे आएंगे डेमो और उसके बाद आपको जो है ये बाय करना पड़ेगा हमारे वेबसाइट से या हमारे एसोसिएटेड पार्टनर के यहां से इसमें दो ऑप्शन है वो सब कुछ डिस्कशन आपको अगर जानना है तो इसके पहले का मेरा जो फर्स्ट वीडियो है वो जरूर देखिएगा पहले 15 से 20 मिनट उसमें मैंने बहुत क्लियरली आपको समझा दिया है कि आपको कैसे बाय करना है इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा इसके पहले वाला जो पार्ट वन का वीडियो है वो आप अच्छे से पहला आधी घंटा देख लीजिएगा दूसरा हमारा क्लास टाइमिंग तो यही रहेगा सेवन टू टेन फोर्टी फाइव अगर कोई चेंज होता है या किसी दिन छुट्टी आती है आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है ठीक है छुट्टी आती है तो वो सिचुएशन में आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन कॉलम में टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है तो उसको आप ज्वाइन कीजिए तो उसमें सब चीजें आपको अपडेट कर दी जाएगी और कुछ चैप्टर्स की पीडीएफ भी मैंने वहां शेयर किया है सो so दैट वो पीडीएफ की आप प्रिंट आउट निकाल के कल से मेरा क्लास कंटिन्यू कर सकते हो यस yes, टेलीग्राम लिंक में मैंने दिया है पीडीएफ दिया है वो डाउनलोड कीजिएगा कुछ चैप्टर्स की जब तक आपकी फिजिकल कॉपी नहीं आती है तो मैंने सब कुछ देखे आप वो डाउनलोड कर सकते हो नहीं रक्षित सीटीपी जो है डीम डिस्टिंग पर्सन ऑफ अदर स्टेट अच्छा आपका अदर स्टेट के तो यस यस बेटा वो रजिस्टर्ड है तो कुछ दिनों के लिए डीडीपी तो माना ही जाएगा मैं आपको संकेत यही सजेस्ट करूंगा कि ये लेक्चर करो ज्यादा बेटर है डोंट uh, मतलब अमाउंट आप पे कर रहे हो क्या कर रहे हो उस इतना मत सोचो आप मेरे साथ लेक्चर कर लोगे तो एक आपके कंप्लीटली अपडेटेड लेक्चर भी हो जाएंगे और यस yes, एक नई रिकॉर्डिंग आपके सामने आ जाएगी चलिए तो यहां रुकते हैं दोस्तों कल मिलते हैं मॉर्निंग सेवन ओ क्लॉक तो कल का गुड मॉर्निंग मेरे साथ होगा आईडीटी के प्रवचन के साथ सो ओके थैंक यू थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जिसको भी कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसके पहले वाला वीडियो जो है पहला आधी घंटा और आखिरी का पंद्रह मिनट आपने देख लेना आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी क्लासेस डेली होगी पर पहले यू, तीन लेक्चर यूट्यूब पे होगी और बाकी के सारे लेक्चर्स हमारे इंक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर में होगा सो so, फिर से कहता हूं व्हाट यू वांट फर्स्ट हाफ आवर ऑफ माय अर्लियर लेक्चर लेक्चर जीरो वन पार्ट वन उसमें आप हाँ देख लीजिएगा यस yes, रक्षित यस यस स्टॉक ट्रांसफर किया तो वो सिचुएशन में यहां पे आना जाएगा यस इट वुड बी ट्रीटेड एज डीडीपी यस इट वुड बी ट्रीटेड एज डीडीपी तो चलिए यहां रुकते हैं थैंक यू थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एमसीक्यू बुक की लिंक टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा मैं आपने नीचे जो टेलीग्राम लिंक है ज्वाइन किया होगा तो मैं बुक अपडेट कर दूंगा